अस्सलाम वालेकुम। इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप के कुछ बेसिक्स स्टेप बताऊंगा। अगर आप लोग अपनी फोटो को किसी भी शेप में क्रॉप करना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को फोटोशॉप में अपनी फोटो को सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी सर्कल में क्रॉप करने के लिए, डायमंड शेप में क्रॉप करने के लिए, या रेक्टेंगल में, या किसी भी शेप में आप लोग अपनी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि अपनी फोटो को सर्कल में किस तरह अपने क्रॉप करना है, या किस तरह आप लोगों ने रेक्टेंगल में करना है, किस तरह आपने डायमंड में करना है। तो इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आपने फोटोशॉप को ओपन करना है। अब आपके पास फोटोशॉप का जो भी वर्जन है उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें, हर वर्जन में ये सेम ही मेथड है। आप लोगों ने सबसे पहले एक फोटो को ओपन करना है फोटोशॉप में। तो यहां से मैं ओपन पे क्लिक करता हूं, तो मेरे पास एक फोटो मैंने रखी हुई है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो हम मैं इस फोटो को लेकर, इस फोटो को सबसे पहले तो मैं सर्कल शेप में कन्वर्ट करूंगा अपनी फोटो को। तो यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहां पर जो ये ऑप्शन होता है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, और यहां से आप लोगों ने इलिप्स टूल को सेलेक्ट कर लेना है अगर आप अपनी फोटो को सर्कल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहां से सबसे पहले आप लोगों ने उतना डिस्टेंस ले लेना है, मतलब उतना पाथ सेलेक्ट करना है जितना आप सर्कल में लेना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं कि मैंने इतना लेना है, सॉरी। यहां से इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं ऊपर। तो फर्स्ट शेप लेयर का होता है, दूसरा पाथ का होता है, तीसरा फिल पिक्सल का होता है। तो आपने याद रखना है हमेशा ये फिल जो पाथ का ऑप्शन होता है सेकंड, इसके ऊपर सेलेक्ट हो, क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर सेलेक्ट नहीं होगा आपका क्रॉप नहीं होगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने उतना सेलेक्ट कर लेना है जहां पर आप लोग चाहते हैं अपनी फोटो को सर्कल में लेना। जब ये कर लेना है, इसके बाद आप लोगों ने ये जो आपके पास बॉर्डर था बन गया है, इसके ऊपर आपने आना है, और कहीं भी यहां पर कहीं भी आप लोग आ जाए, और आपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर आकर, और मेक सिलेक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहां पर हमेशा याद रखना है कि रेंडरिंग में जो फीदर रेडियस होता है इसे 0 पिक्सल ही रहने देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये होता 0 ही है, लेकिन अगर 0 नहीं है तो इसको 0 करके आपने ओके कर देना है, तो ये आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहां पर सिलेक्ट के ऑप्शन में जाना है और इनवर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास देख सकते हैं सारा सिलेक्ट हो जाएगी सारी फोटो ही। अब तीसरे नंबर के आपने क्या करना है, एडिट में जाना है और यहां से आपने क्लियर कर देना है। तो पिछला जो होता है वो बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा और आपकी फोटो सर्कल शेप में आ जाएगी। अब अगर चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड जो था बेसिकली आपका, इसको भी आपने ट्रांसपेरेंट करना है, तो फिर आप लोगों ने यहां पर ये लॉक थी तो इसको सबसे पहले अनलॉक करना था, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो आपकी ये अनलॉक हो गई। फिर आप इसको करेंगे तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो भी रिमूव हो जाएगा। अब आप लोग इस फोटो को लेकर कहीं भी यूज कर सकते हैं और इस सर्कल शेप को ट्राई कर सकते हैं। तो ये जबरदस्त मेथड है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा जी। तो दूसरे मेथड में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने मुख्तलिफ शेप्स को लेकर, पिछले हमने पहले सर्कल में कन्वर्ट किया है, अब मैं यही फोटो दोबारा से लेता हूं और इसको यहां से हम कोई सिलेक्ट करते हैं, लाइक ये पॉलीगॉन टूल में हम कन्वर्ट करके देखते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, यहां से आप लोगों ने पाथ को सिलेक्ट कर लेना है और यहां से उतनी चीज सिलेक्ट कर लेनी है जितनी आप चाहते हैं। तो ये यहां पर लाकर मैं करता हूं, यहां से करता हूँ जी, यहां से ठीक है। तो हम कहते हैं कि इतना ठीक है। अब इसको मैं यहां पर उसी तरह ही आपने सेम मेथड करना है, मेक सिलेक्शन, फिदर रेडियस 0 करना है, उसके बाद आपने सिलेक्ट पर जाना है, इनवर्स करना है, उसके बाद आपने एडिट पे जाना है और क्लियर करना है। अब इसका भी बैकग्राउंड चेंज नहीं है, तो यहां से आप लोग डबल क्लिक करें, ओके करें, तो आपका जो अनलॉक हो जाएगी फोटो, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा एडिट पे जाके क्लियर करना है, तो आपका बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग अपनी फोटो को किसी भी दूसरी शेप में
कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ मुख्तलिफ शेप्स बताता हूँ जिसमें आप लोग अपनी फोटो को कन्वर्ट करेंगे। जी, तो दोबारा से मैंने फोटो ओपन की है। अब इसी फोटो को हम लेते हैं और शेप को मैं कोई और लेता हूँ। यहाँ से कन्वर्ट करें तो कस्टम शेप टूल में आए। यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारी टूल्स जो शेप्स हैं वो अवेलेबल होती हैं। अब हम यहाँ से कोई शेप उठाते हैं और उसमें हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से मैं कोई एक शेप लेता हूँ, पहले तो कोई पसंद आए तभी लूंगा। तो हम कहते हैं कि बेसिकली हमने कन्वर्ट करना है किसी भी दूसरी शेप में। तो चले ये पत्ता सा ले लेते हैं या हार्ड शेप ले लेते हैं, दिल में हम कन्वर्ट करके देखते हैं इसको। अब यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ से अपने पाथ को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं पहले से अनलोड करता हूँ, डबल क्लिक करें और अनलोड कर दे। ये आप लोग इस पर राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट लेयर करके भी आप लोग कर सकते हैं, तो लेकिन डबल क्लिक ओके करें, ये अनलॉक हो जाती है। यहाँ पर हम हार्ट को करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर करके मैं बनाता हूँ। जी, इस तरह आपने कोई भी शेप यहाँ से उठानी है। तो हार्ट की बजाय हम कोई बोल लेते हैं शेप, ये कोई इतनी खास मुझे नहीं लगी। चले ये ले लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं। जी, इसके बाद आपने इसको राइट क्लिक करना है, तो इस पर राइट क्लिक करें, मेक सिलेक्शन करें, ओके करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने सिलेक्ट पे जाना है, इन्वर्स करें, उसके बाद एडिट पे जाए, क्लियर करें। तो इस तरह आप लोग अपनी फोटो को यूज कर सकते हैं। अब आपने इसको यूज करना है, जब आपने इसको सेव करना है, यहाँ पर आप सेव एज पे क्लिक करें और अपनी फोटो को आप लोगों ने PNG फॉर्मेट में रखना है ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो इसको यूज कर सके। अब आपने यूज कैसे करना है, यहाँ पर मैं जस्ट एक न्यू फोटो बनाकर दिखाता हूँ आपको। 1280x720 पिक्सल। तो इसको करना कैसे है, आपने यहाँ पर यहाँ पर मैं एक ये ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले, और इसका कलर मैं यहाँ से रेड करता हूँ। लाइक हम एक फोटो बना रहे हैं और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देता हूँ। क्रॉप योर फोटोज इन एनी शेप, हमने एक थंबनेल टाइप बनाना है और मैं चाहता हूं कि यहां पर मेरी साथ फोटो भी है। तो किस तरह आनी है, यहां से आप लोगों ने कंट्रोल ओ करे ओपन करे जहां पर सेव की हुई है इस फोटो पर, और इस तरह आप लोग कहीं भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं और सिर्फ उसी शेप में उतनी ही फोटो आएगी जितनी आपने यूज की हुई है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी फोटो को किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।